हम लोग चेंज के बारे में इस तरह से नहीं सोचते, पता है क्यों? क्योंकि हम सब के सब एंड गेम सोचते हैं कि बाहुबली किस तरह से उस राजा को हरा देगा, वो वाला लास्ट फेज। हम भूल जाते हैं अगर एक पुशअप किया वो कोई एक्सरसाइज ना करने से तो बेटर है ही। अगर आप एक मिनट का गिटार प्रैक्टिस करते हैं तो नो प्रैक्टिस से तो बेटर है ही। अगर आप एक मिनट कोई बुक पढ़ते हैं, एक मिनट, तो ना पढ़ने से तो बेटर है। आप जितना करना चाहते हैं उससे कम करना अच्छा है बजाय ना करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं लिटिल चेंजेस, जो आपकी लाइफ की हर चीज़ को बदल देगी। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे खुशी भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा आलस भी आ रहा है। अगर आप अपनी आदत को कॉन्शियसली ना बनाएं तो आदत बदल जाती है, नेगेटिव हो जाती है। लेकिन आज जब मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो बनाऊंगा अपने इस नई जगह पे, तो एक छोटी सी चीज़ हुई, उससे फिर आदत रिवाइव हो गई। अच्छा, आप लोगों को याद है ना, आदत को कंटिन्यू ना कर पाने का एक वजह है आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट। वहाँ पर हम लोगों का एक रूम था जहाँ पर हम वीडियोज़ बनाते थे। जैसे वहाँ मैं बैठता था, आप लोगों को बुलाता था, हम सब लोग एक हैबिट मोड में आ जाते थे। अब वो यहाँ फिलहाल नहीं है, उसको रिवाइव करना पड़ेगा। आज का चैप्टर है हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। अपनी लाइफ में कैसे टालना बंद करें इस रूल को यूज करके, द 2 मिनट रूल। बहुत मजेदार रूल है ये। लेडी है ट्वाइला थार्प, इनको मॉडर्न एरा का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट डांसर और कोरियोग्राफर माना जाता है। 1992 में इनको मैक आर्थर फेलोशिप दिया गया था। इस चीज़ को जीनियस ग्रांट कहा जाता है, जो लोग जीनियस होते हैं उनको मिलता है। और इनकी ज़्यादातर जिंदगी बीती है वो पूरी धरती पर घूम घूम करके इनका ओरिजिनल वर्क को परफॉर्म करती रही। बड़े बड़े स्टेजेस में ढेर सारे लोग आते थे इनको देखने के लिए। और जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी सक्सेसफुल कैसे हैं, तो बोलती मेरी डेली हैबिट की वजह से। मैं अपना हर रोज़ एक रिचुअल से शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, मैं अपने वर्कआउट क्लोथ्स पहन लेती हूँ, मेरे पैरों को गर्म करने वाला वार्मर्स पहन लेती हूँ, मैं एक्सरसाइज करने वाला स्वेटशर्ट पहन लेती हूँ और मेरी टोपी पहन लेती हूँ। मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ, मैनहट्टन के अपने घर से बाहर एक टैक्सी वाले को बुलाती हूँ, और उसके बाद मैं अपने ड्राइवर को बोलती हूँ कि मुझे पंपिंग आयरन जिम 91st Street पे ले चलो। तो उसके बाद 2 घंटे के लिए मैं वर्कआउट करती हूँ। और जब लोगों ने पूछा तो इसमें रिचुअल क्या है, बोलती है ना ना ना, जो एक्सरसाइज करती हूँ वो रिचुअल नहीं है, जो मैं बॉडी को खींचती वींचती हूँ वो रिचुअल नहीं है, मेरा रिचुअल है कैब, वो टैक्सी पकड़ना। बोलती जैसे ही मैं अपने ड्राइवर को बोलती हूँ मुझे वहाँ जाना है जिम, मेरा काम खत्म, मेरा रिचुअल पूरा हो गया। उसके बाद वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। बोलती है बहुत सिंपल सी एक्ट है ये, लेकिन जब मैं उसको हर रोज़ करती हूँ तो ये मेरी मॉर्निंग को हैबिचुअलाइज कर देता है, मेरे दिन को एक रिपीटेबल ईजी डे बना देता है। और इसकी वजह से मेरा एक दिन में अपना दिन को कैसे बिताऊंगी उसका चांस कम हो जाता है, मतलब मेरी लाइफ में तुक्का कि आज कुछ और करूंगी वो कम हो जाता है। और इस तरह से मेरी लाइफ में ढेर सारी चीज़ें सोचने वाली नहीं होती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं उठी, अपने कपड़े पहने और क्या किया, बाहर गई और टैक्सी पकड़ी। टैक्सी वाले को क्या बोला, कहाँ जा रहे हैं, जिम, बस वो काम खत्म। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है एक टैक्सी पकड़ना, लेकिन ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 3rd Law of Behavior Change का। अगर आप अपना बिहेवियर बदलना चाहते हैं, अभी हम 5 दिन से वहाँ पर भैया के घर पे बिहेवियर प्रॉब्लम देख रहे हैं, बट वो बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है रूटीन प्रॉब्लम, हैबिट प्रॉब्लम। जो भी चीज़ आपकी लाइफ का हैबिट नहीं बना वो आपका प्रॉब्लम है। रिसर्चर्स कहते हैं 40 से 50% चीज़ें जो हम करते हैं अपने दिन में वो हैबिट से करते हैं। ये बहुत ही बड़ा नंबर है 40 से 50%, लेकिन जब आप ट्रू इन्फ्लुएंस देखेंगे आपकी हैबिट्स का तो देखेंगे उस कहीं ज़्यादा गहरा है। हैबिट्स होते क्या हैं, ऑटोमेटिक चॉइसेस, ये हमारे कॉन्शियस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने डिसाइड किया कि आज मैं एक्सरसाइज करूँगा, लेकिन अगर वो हैबिट नहीं बनी है
तो कितना भी डिसाइड कर लूँ मैं नहीं करूँगा। मैं डिसाइड करता हूँ कि आज मैं जल्दी सोऊंगा, नहीं सो पाएंगे। अगर वो आपकी हैबिट का पार्ट नहीं है तो नहीं सो पाएंगे। एक बात सही है कि हैबिट्स कुछ ही सेकेंड्स में कंप्लीट हो सकते हैं, छोटे मोटे हैबिट, लेकिन वो आगे आने वाला कुछ मिनट कुछ घंटा भी डिसाइड करता है, सब कुछ डिसाइड कर देता है कि अगले एक घंटे में दो घंटे में आप क्या करने वाले हैं उसी कुछ सेकेंड की हैबिट से। जैसे किसी हाईवे पर जाना आपको, तो उस हाईवे पर जाने वाला एक छोटा सा एंट्रेंस रैंप होता है, वही है आपकी हैबिट। वो आपको जिस रास्ते पर जाना है वहां पहुंचता है, और जैसे ही आप हाईवे पर पहुंचे जूम करके आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है और फिर आप खूब स्पीड में नेक्स्ट बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं, और उसके बाद आपको आसान लगता है वही करना जो आप करते रहे हैं बजाय कुछ और करने के। आपने डिसाइड किया चलो यार अब एक फिल्म देखते हैं, चालू किया, अब देखते रहते हैं, दो घंटे तक फिल्म देखते रहते हैं। क्यों? वो बेकार फिल्म है, बोरिंग है, फिर भी देखते हैं। पता है क्यों? आसान है। आपने फोन चालू किया, पेट भरा हुआ है, फिर भी आप स्नैकिंग करते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपने वो स्नैक उठा लिया। आपने फोन उठाया था बस कुछ सेकंड देखने के लिए, कितना सेकंड? कुछ सेकंड, और तब तक से आधे घंटे चले गए स्क्रीन देखते देखते। और इस तरह से आपकी हैबिट जो आपने बनाई है बिना सोचे वो डिटरमाइन करती है आपकी उन चॉइसेस को जो आपने सोच सोच के लेना था। नहीं समझे? आपकी वो हैबिट जो आपने बिना सोचे बना ली है वो उन चॉइसेस को भी इन्फ्लुएंस करती है, गाइड करती है जो आप एक्चुअली चूज करके बनाना चाहते थे। आप महान बनना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे, आप बिजनेसमैन बनना चाहते थे, आप जीनियस बनना चाहते थे किसी सब्जेक्ट में, वो सब कॉन्शियस चॉइस था आपका। लेकिन वो कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि आपने एक छोटी सी हैबिट को अपना लिया जो कि अनकॉन्शियस था। हर शाम को एक छोटा सा मोमेंट आता है, यूजुअली 5:15 बजे, उसकी वजह से मेरी पूरी रात डिसाइड हो जाती है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम दोनों 5:15 बजे अपने वर्कआउट क्लोथ्स पहन लें और जाएं जिम में, या हम दोनों अपने काउच पे बैठ के कुछ कुछ खा करके टीवी देखें। और धीरे धीरे ट्वाइला थार को देख करके हमने अपने रिचुअल को बदल दिया, हमने भी कैब पकड़ना शुरू कर दिया। कहाँ के लिए? जिम के लिए। अगर मैंने कपड़े बदल दिए इसका मतलब मेरा वर्कआउट होगा। उसके बाद जो कुछ भी करेंगे आप, ड्राइव जिम तक ड्राइव करके जाएंगे, कौन से एक्सरसाइज करेंगे, कौन से बार पे बैठेंगे, ये सब चीज़ें आसान हो जाती है अगर आपने क्या कर लिया, पहला स्टेप ले लिया। हर रोज बटन्स की तरह है ये, आपने बटन दबाया एसी चालू हो गया और रात भर एसी चल रहा है, वो बटन है आपका छोटा सा हैबिट। कुछ हैंडफुल मोमेंट्स हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आउटसाइज्ड होता है, उसका साइज बहुत ज़्यादा होता है। इन्हीं का नाम दिया है मैंने डिसिसिव मोमेंट्स, वो मोमेंट्स जो आपकी लाइफ को डिसाइड करते हैं। आप रूम से निकले और आपने डिसाइड किया चलो खाना बना लेता हूँ, या आपने डिसाइड किया चलो फ़ोन करके खाना ऑर्डर कर लेता हूँ, ये आपके लिए क्या है? क्या है शीश? डिसिसिव मोमेंट है, डिसीजन नहीं, डिसिसिव मोमेंट। जैसे आप डिसाइड करते हो कि यार कार लूँ कि बाइक लूँ, साइकिल, ये क्या है? डिसिसिव मोमेंट है। जैसे आप डिसाइड करते हो कि मैं होमवर्क कर लूँ या अपना वीडियो गेम खेल लूँ, ये क्या है? डिसिसिव मोमेंट है। ये चॉइसेस रस्ते पे चलने वाले फोर्क की तरह है, ऐसे दिख रहा है टक 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 टक, एक रास्ते से दूसरा, दूसरे से, गुड चॉइस में से आप दो ऑप्शन है बैड और गुड चॉइस, वहां बैड पर पहुंचे वहां से भी दो ऑप्शन है बैड एंड गुड चॉइस। अगर आपने वहां से गुड चॉइस ले लिया तो वापस गुड की तरफ चले जाएंगे, बैड लिया एग्जैक्टली। ये रास्ते हैं, जो भी डिसीजन मोमेंट्स होते हैं वो आपके ऑप्शंस डिसाइड करते हैं फ्यूचर के। एग्जांपल के लिए अगर आप रेस्टोरेंट में घुसते हैं, वो डिसीजन मोमेंट हो गया। आप क्या खाएंगे? वही खाएंगे जो रेस्टोरेंट में मिलता है, पाव भाजी खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा नान खाएंगे, और क्या खाएंगे? टेक्निकली आपको लगेगा कि मैं अपनी डिसाइड कर रहा हूँ यार, जो मुझे खाना है वो डिसाइड कर रहा हूँ, लेकिन ना, आप वो डिसाइड कर रहे हैं जो मेन्यू में रखा हुआ है और कुछ नहीं डिसाइड कर पा रहे। आपके सारे ऑप्शंस कंस्ट्रेंड हो जाते हैं, क्या चीज़ अवेलेबल है वो सारी चीज़ शेप हो जाती है उस फर्स्ट चॉइस से जो आपने ली है। हम सब के सब लाचार हैं, चाहे कितने भी अमीर हों, कितने भी गरीब हों, कितने भी पावरफुल हों, कितने भी कमज़ोर हों बॉडी से, कितने भी अपने आप को मेंटली स्ट्रांग या वीक मानते हो, कितने भी परेशान या कितने भी दुखी या कितने भी खुश हो, हम सब के सब लिमिटेड हैं अपनी हैबिट्स से। इसीलिए आपके वो डिसिसिव मोमेंट्स को मास्टर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हर दिन में इस तरह के ढेर सारे डिसिसिव मोमेंट्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे
हैबिचुअल चॉइस होते हैं जो आपको मास्टर करना होता है। और बड़े मजे की चीज है, ये जो छोटे छोटे चॉइसेस लेते हैं आप, ये स्टैकअप हो जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लेयर बन जाता है। एक चॉइस डिसाइड करता है कि अगले आधे घंटे एक घंटे आप कैसे स्पेंड करेंगे, फिर नेक्स्ट चॉइस डिसाइड करता है कि अगले एक दो घंटे कैसे स्पेंड करेंगे। हैबिट आपकी एंट्री पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है, वो कैब है, जिम नहीं है। तो 2 मिनट रूल क्या है, आपको पता है कि आपको छोटा करके स्टार्ट करना है, फिर भी आपको लगेगा नहीं नहीं बड़ा ही स्टार्ट करेंगे। आप डिसाइड करते हैं कि यार अब नई लाइफ स्टार्ट करनी है और छोटी मोटी चीज़ नहीं करनी है, बड़ा करना है, तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी करना चाहते हैं। इसको उल्टा कर दीजिए, अपने बड़े को छोटा कर दीजिए, 2 मिनट रूल। अगर आप कोई नई हैबिट स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। कोई भी बड़ी से बड़ी हैबिट है, आप उसको 2 मिनट में कर सकते हैं। कैसे? अगर आप चाहते हैं हर रात को सोते समय मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, आप 2 मिनट में एक पेज पढ़िए। 30 मिनट तक योगा करना है, वो बाप रे, 30 मिनट नहीं, आपको खाली अपना योगा मैट निकालना है। अगर आपको 1 घंटे क्लास के लिए पढ़ना है, ना ना वो नहीं करना, आपको खाली अपना नोट्स खोलना है। आपके पास खूब ढेर सारे कपड़े हैं जो वहाँ वैभव के रूम के बाहर पड़े रहते हैं, उसको फोल्ड करना है, ना 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 सारे कपड़े फोल्ड नहीं करने, खाली 2 सॉक्स फोल्ड कर रहे हैं, बस 2 मिनट लगेगा। आपको 3-4 किलोमीटर रन करना है, ना 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 आपको खाली अपने रनिंग शूज की उसको बांधने का हैबिट डेवलप करना है। भूल गए आप लोग, आइडिया क्या है? अपने हैबिट्स को बहुत जितना इजी हो सके उतना इजी कर लो। आज मैंने यही किया, जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा ना मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा आज, आज मैं खाली इस बुक को पढ़ूंगा। फूफा जी तो आज बुक को पढ़ेंगे। कोई भी आदमी 1 मिनट के लिए मेडिटेट कर सकता है, 1 पेज पढ़ सकता है, या 1 कपड़े को तो फोल्ड कर ही सकता है। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर आपने कोई भी चीज स्टार्ट कर दी तो उसको करते रहना आसान है। ध्यान रखिएगा, कोई भी नई हैबिट चैलेंजिंग नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद आप करेंगे जो चीज वो हो सकता है चैलेंजिंग हो, लेकिन शुरुआत चैलेंजिंग नहीं होनी चाहिए। पहले 2 मिनट सबसे आसान होने चाहिए। जो आप चाहते हैं वो गेटवे हैबिट है जो आपको और प्रोडक्टिव पाथ पे लेके जाएगा। और आप चाहें तो और आसान करते जाइए। जैसे कि अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो वेरी इजी क्या है, पुटिंग योर शूज, जूते पहनना। इजी क्या है, वॉक 10 मिनट्स, कहीं 10 मिनट वॉक करना। मॉडरेट क्या है, वॉक 10,000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स वॉक करना। हार्ड क्या है, रन 5 किलोमीटर्स। वेरी हार्ड क्या है, रन अ मैराथन। आपको लिखना है, यू वॉन्ट टू बी राइटर। वेरी इजी क्या है, राइट अ सेंटेंस, 1 सेंटेंस। इजी है, राइट 1 पैराग्राफ। मॉडरेट है, राइट 1,000 वर्ड्स, 1,000 शब्द लिखो। हार्ड है, राइट अ 5,000 वर्ड आर्टिकल, 5,000 शब्दों का एक आर्टिकल लिखो। और बहुत हार्ड क्या है, एक बुक लिखना, पढ़ना है आपको। सबसे इजी क्या है, ओपन योर नोट्स। इजी क्या है, 10 मिनट पढ़ो। मॉडरेट क्या है, 3 घंटे पढ़ो। हार्ड क्या है, स्ट्रेट ए स्टूडेंट बनो। और वेरी हार्ड क्या है, पीएचडी, एक पीएचडी पा जाओ, कॉलेज की डिग्री पा जाओ। बहुत बार लोगों को लगता है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, छोटा सा 1 मिनट के लिए पेज पढ़ लो, 1 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लो, या 1 सेल्स कॉल कर लो। ना ना, पॉइंट ये नहीं कि आप वो एक चीज़ करो, पॉइंट वो है कि ये आप एक चीज़ को बार बार करो। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो पहले उस हैबिट को एस्टैब्लिश करो, बाद में उसको इम्प्रूव करो। आज मैं यही सोच रहा था कि मैं नागपुर में हूँ और मेरा क्या काम है, मेरा सबसे पहला काम है रोज नहा धो करके ऑफिस जाना। आज ही भैया बोल रहे थे इतना अच्छा ऑफिस बनाया है, दीदी जाती नहीं। फर्स्ट स्टेप ही अगर आप नहीं ले पाएंगे तो बाकी के स्टेप्स नहीं ले पाएंगे। बजाय इसके कि मैं अपना परफेक्ट हैबिट को इंजीनियर कर लो, पूरी की पूरी चीज को, कि मुझे पूरी बुक खत्म करनी है और बहुत अच्छा बनना है, पूरा मेडिटेटर बनना है, वो पूरा का पूरा परफेक्ट हैबिट को इंजीनियर मत करिए। जस्ट ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट ऑन ईजी थिंग्स। जो बहुत ही ईजी चीजें हैं उसको कंसिस्टेंटली करिए, इससे पहले कि आप ऑप्टिमाइज करें, मतलब बहुत मुश्किल चीज करें, आपको स्टैंडर्डाइज करना होगा, आसान चीज को हैबिट बनानी पड़ेगी। जैसे ही आप किसी काम के लिए शो अप करोगे, जो आपका पहला 2 मिनट है वो आपका रिचुअल बन जाता है बड़े रूटीन के लिए। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, अरे हाँ यार 2 मिनट के लिए कर लिया, ना ना, ये एक सबसे सही तरीका है अगर आप कोई बहुत मुश्किल स्किल को
मास्टर करना चाहते हो। आज मैं सोच रहा था, वो लोग जो बहुत उम्र वाले हैं 50 साल के, वो लोग जो बहुत पैसे वाले हैं, वो लोग जो बहुत पक्के हैं अपने परेशानी में, अपने दुख में, इस चीज़ के लिए माहिर कैसे हुए हैं, उन्होंने अपनी एंट्री हैबिट डिसाइड कर ली है अनकॉन्शियसली। अगर कोई बहुत लड़ाई करता है दिन भर, उसने वो अपनी एंट्री हैबिट डिसाइड कर ली पहले से ही, वो डिसिसिव मोमेंट को उसने अलाउ कर दिया, देखा शक्ल और जैसे ही पहला मुंह खोला बस फाइट करते गया करते गया करते गया, रोते गया रोते गया रोते गया, उसने अपनी डिसिसिव मोमेंट को डिसाइड कर लिया। ध्यान रखिएगा, 2 मिनट बहुत से लोगों को लगेगा 2 मिनट रोल ट्रिक है, लेकिन आपका जो रियल गोल है वो ज्यादा बड़ा है। बहुत बार आपको लगेगा बस 2 मिनट में कुछ कर रहा हूं तो मैं अपने आपको बेवकूफ बना रहा हूं। आप लोगों को याद है ना, जनूगा 20-25 साल पहले जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने क्या डिसाइड किया, क्या करना है मुझे, पढ़ाना नहीं था। नहीं नहीं आप भूल गए श्रीश, आपको पता है जब मैंने जनूगा पढ़ना था 10,000 साल तक पढ़ना पढ़ाना था, तो सबसे पहली चीज, सबसे ईजी चीज मैंने क्या डिसाइड की थी, खुद को पढ़ाने से भी ज्यादा आसान, पढ़ूंगा से भी आसान, अपनी बुक को अपने साथ रखेंगे। इसलिए मैं लपेट लपेट के, बिकॉज हर कहीं पर भी जाता था बुक लेके जाता था, बैग में रख के लेते जाते थे। ये चीज मैंने कई दिनों कई हफ्तों तक किया, और उसके बाद फिर 5 मिनट एक पैराग्राफ एक लाइन ऐसे पढ़ता था। अगर आपको लगता है कि 2 मिनट कोई चीज करना बहुत बहुत मुश्किल है तो कोई बात नहीं, आप 2 मिनट तक उस काम को करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। अगर आप रन करना चाहते हो तो रन करिए, पर 2 मिनट के बाद रुक जाइए, अपने आप को उससे ज्यादा मत कराइए। मेडिटेशन करना शुरू करिए लेकिन 2 मिनट के बाद रुक जाइए। योगा करते थे 2 मिनट के बाद रुक जाइए। एडवांस्ड मैथमेटिक्स चालू करिए, लिखना शुरू करिए एक कोई फॉर्मूला, 2 मिनट के बाद रुक जाइए। ये ध्यान रखिएगा, ये किसी चीज को स्टार्ट करने की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये वो पूरी चीज को मास्टर करने की स्ट्रैटेजी है। एक तरह से बहुत बड़ा सा बॉम्ब है, और उस बॉम्ब को आप आग कहां से लगाते हैं, उस छोटे से रस्सी से जो बारूद की रस्सी है, बस उसको आप अगरबत्ती से जला देते हैं, उसके बाद फट जाता है। ये वही छोटी सी 2 मिनट रूल, छोटी सी रस्सी है। बहुत से लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को यूज करके अपने 100-100 किलो कम किए हैं। शुरुआत में वो जाता था जिम और बोलता था मैं 5 मिनट से ज्यादा जिम में बैठूंगा भी नहीं, बस 5 मिनट बैठ के वापस आ जाऊंगा। जाता था 5 मिनट एक्सरसाइज करके वापस आ जाता था। फिर कुछ दिनों बाद उसको लगा यार आता तो हुई तो 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा ही कर लेता हूं, और कुछ साल ऐसे बीते उसका वेट ही गायब हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है जर्नलिंग का। जर्नलिंग मतलब लिखना। सबको पता है लिखना बहुत हेल्प करता है, ऑब्जर्वेशन है। इनफैक्ट लिखना ऑब्जर्वेशन के साथ साथ धीरे धीरे आपकी बुक बन जाती है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद वो लगता है कोर है। कोर मतलब बकवास काम है। सीक्रेट क्या है, जैसे ही वो काम लगने लगे बंद कर दो। ग्रेग मैकोन लिखते थे, लेकिन खाली इतना लिखते थे जितना उनको फील होता था लिखना है, उससे कम। वो जैसे ही लिखना हसल लगता था, मेहनत लगती थी, स्टॉप कर देते थे। नाम सुना है अर्नेस्ट हेमिंगवे, इज अ वेरी फेमस वर्ल्ड फेमस राइटर। वो यही मानते थे किसी भी तरह की राइटिंग करनी है तो ऐसे ही करो। बोलते थे जब तुम लिख रहे हो और बहुत अच्छा लग रहा है रुक जाओ, अच्छा जब लग रहा है तभी रुक जाओ। और इस तरह की स्ट्रैटेजीज एक और वजह से काम करती हैं। हम सब ना अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। मैं योगी हूँ, आप लेखक हैं, आप स्टूडेंट हैं, एक आइडेंटिटी है ये। अगर आप रोज़ 5 मिनट के लिए जिम जा रहे हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को पेंट कर रहे हैं। आप अभी अपने आप को शेप नहीं डालना चाहते, आप उस टाइप का आदि बनना चाहते हैं जो आप सोच रहे हैं आप हैं। जब मैंने जनूगा की किताब अपने साथ रखना शुरू किया तो मैं उस स्मॉलेस्ट एक्शन ले रहा था जो एक महान एनलाइटन मास्टर्स को लेना चाहिए। महान एनलाइटन मास्टर्स क्या करते हैं, एक योग की किताब को अपने पास रखते हैं, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। वो शुरुआत था, वो मेरी आइडेंटिटी बनना शुरू हो गई। हम लोग चेंज के बारे में इस तरह से नहीं सोचते, पता है क्यों, क्योंकि हम सब के सब एंड गेम सोचते हैं कि बाहुबली किस तरह से उस राजा को हरा देगा, वो वाला लास्ट फेज। हम भूल जाते हैं अगर एक पुशअप किया वो कोई एक्सरसाइज ना करने से तो बेटर है ही। अगर आप 1 मिनट का गिटार प्रैक्टिस करते हैं तो नो प्रैक्टिस से तो बेटर है ही। अगर आप 1 मिनट कोई बुक पढ़ते हैं 1 मिनट तो ना पढ़ने से तो बेटर है। आप जितना करना चाहते हैं उससे कम करना अच्छा है बजाय ना करना। आप अपने लॉन्ग टर्म बिहेवियर का स्मॉलेस्ट वर्जन बना रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा
वो 2 मिनट कब 20 मिनट बन जाएगा, 20 मिनट कब 20 दिन बन जाएगा, और 20 दिन कब 20 साल बन जाएगा, और आप वो इंसान बन जाएंगे जो आप एक्चुअली बनना चाहते थे। जब भी आप किसी भी हैबिट के लिए परेशान हैं कि कैसे होगा, याद रखिएगा 2 मिनट रूल। ये बहुत ही आसान तरीका है अपने हैबिट्स को क्या करने के लिए, ईजी करने के लिए। इसी के साथ हमारी इसी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आपने पूरा वीडियो देख लिया, थैंक यू।